होता है प्रोजेक्ट। इस बजट रेंज में पूरे एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट नहीं है, और अंडर 2 CR में 3.5 BHK के, वो भी 1850 स्क्वायर फुट का जो साइज है वो नहीं मिलने वाला है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, डिटेल में इस पे बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 105। 105 द्वारका एक्सप्रेस से टच करता हुआ प्रोजेक्ट है। इसके सराउंडिंग में मैं बता दूं लोकेशन एडवांटेज, तो द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी है, इसमें आने वाले टाइम में मेट्रो कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर 37D में मेट्रो अप्रूव्ड है, सेक्टर 101। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेस्ट होंगे। तो आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही बढ़िया न्यू लॉन्चेस आया हुआ है, वो भी सेक्टर 105, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 3 मिनट के ड्राइव पे प्रोजेक्ट पड़ता है। 400 मीटर मैं बोल सकता हूँ अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि मेट्रो आने वाले हैं, मेट्रो का डिपो, ये प्लस पॉइंट है। उसके नियर बाई सराउंडिंग में सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई हाई राइज सोसाइटी नहीं है, सारे लो राइज डेवलपमेंट है इस लोकैलिटी में, ये प्लस पॉइंट है। और सेक्टर 105 की मेन और ख़ास बात है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से लगता हुआ है सेक्टर है, और सराउंडिंग में 104 और बहुत सारा प्रोजेक्ट है, ये प्लस पॉइंट है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है। तो एटीएस ग्रुप का आपने नेम सुना होगा। एटीएस ने गुड़गांव के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, कुछ डिले हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट में कुछ प्लस पॉइंट भी है एंड कुछ निगेटिव भी है, दोनों पर बात करने वाले हैं। तो एटीएस ग्रुप का आपने नेम सुना होगा। एटीएस ने अपना कुकुन नेम से प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा डिलीवर्ड किया हुआ है। बाकी कुछ प्रोजेक्ट था इनका डिले हुआ था, जो डिस्प्यूट हुआ था, तो एटीएस ने कुछ अपना एक न्यू, तो कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए, एटीएस होम क्राफ्ट के नेम से इन्होंने न्यू कंपनी ओपन किया था, जिसके पार्टनर हैं एचडीएफसी, यानी कि प्रोजेक्ट में नहीं, आप बोल सकते हैं कि एटीएस का प्रोजेक्ट है, एचडीएफसी का ही प्रोजेक्ट है, इस तरह बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसमें एचडीएफसी इन्वॉल्व है। ये चीज़ें हैं प्लस पॉइंट। प्रोजेक्ट रेडा अप्रूव्ड है, लेकिन अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे है, UI जा रहे हैं 5 लाख रुपए के। प्राइस की बात करते हैं तो 2000 पर स्क्वायर फुट का आपको एनुअल डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 11000 का प्राइस है। अंडर 2 CR में 3.5 BHK का आपको मिल रहा है। ATS होम क्राफ्ट सेंचुरी नेम से प्रोजेक्ट है, सेक्टर 105 पर। 2013 में यहाँ पे 1000 ट्रीज के नेम से प्रोजेक्ट आया हुआ था, जो कि उस टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे का आपको ही पता है कि स्थिति किस टाइप की थी, कोई फुटफॉल था नहीं, उस तरह का ग्रेज नहीं था, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो ब्रांड वैल्यू का नाम था, जो कंपनी का नेम था, वो जियो बॉक्स के नेम से कंपनी थी, तो इनका वहाँ पे प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट वहाँ पे हुआ नहीं, बना नहीं, तो उसी पे एटीएस होम क्राफ्ट ने टेक ओवर किया और अपने अंडर लिया चीज़ें। एचडीएफसी इसका इन्वॉल्व है, जो कि पार्टनर है इस कंपनी में एटीएस होम क्राफ्ट का। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एटीएस का नाम सुनकर, क्योंकि इसमें नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं जो भी है। तो ये अपना चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं 105 में, नियर बाई में, जो आसपास में जो भी ये एक्टिविटी है वो लो राइज की है। तो प्लस पॉइंट है कि आप बालकनी में खड़े होते हैं या अपने टॉप फ्लोर पे अपने रूम में खड़े होते हैं, तो वहाँ से आपको लो राइज ही फील आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं इन फ्यूचर, ये प्लस पॉइंट है। 2 यूनिट आपको वर्क फ्लोर पर मिलने वाली है, G+32 स्टोरी के आसपास इसका हाइट होगी। 11 टावर है, 13 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 13 एकड़ में आपको 11 टावर आपको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 1 फ्लोर पे 2 यूनिट है। आप सोच सकते हैं कि इतना फिजिबिलिटी, इतना अच्छा आपको एक्सटेंड बालकनी आपको मिलने वाला है, और प्राइस लेवल बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 11000 का प्राइस भी पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। आप ग्लोबल लीप से लेकर सेक्टर 113 तक भी देखें, 20000 से 23000 का आसपास का रेट है पूरे एक्सप्रेसवे पे, जिस तरह का एप्रिसिएशन लेवल है, ये प्लस पॉइंट है। और उसके बाद इसमें टोटल अप्रॉक्स 650 के आसपास यूनिट आ रही है, तो और उसके बाद फोर लेवल इसमें जो अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस है फोर लेवल का, उसके बाद क्लब हाउस में बहुत अल्ट्रा लग्जरी की एमिनिटीज़ है, 3 लिफ्ट्स आपको दे रहे हैं, एमिनिटीज़ VRV एसिस, ऑल वेदर्स एसिस एंड मॉडलर किचन ऑटोमेशन इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और इसमें बता दूँ साइजेस की बात करते हैं, तो 1850 में आपको 3.5 BHK यानी कि 3+ स्टडी दे रहे हैं, एंड 2700 स्क्वायर फुट में 4+ स्टडी+ सर्वेंट आपको प्रोवाइड कर रहे थे। ये रहा साइज इसका। पेमेंट प्लान की हम लोग बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, और आज के रेट में आपको सबसे प्लस पॉइंट है इनगुलर डिस्काउंट जा रहा है, जो कि 2000 का है, यानी कि 13000 का लॉन्चिंग रेट है, 1 से 2 दिन के लिए चीज़ें हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी, आपको चीज़ कोई भी बिल्डर की प्रॉपर्टी आप देख लो, 18000, 19000, 20000, 23000 का रेट है, तो इस बजट रेंज में इस लोकेशन पे आपको चीज़ें मिली। आने वाले टाइम में इस लोकेलिटी में मेट्रो अप्रूव्ड है, 20 अप्रॉक्स 28 किलोमीटर का जो मेट्रो है, जो कि फर्स्ट अप्रूवल गुड़गांव की जो मेट्रो थी,
वो इसके नियर बाई सराउंडिंग में 101 सेक्टर है, एंड ओल्ड गुड़गांव का जो भी एरिया है वहाँ भी मेट्रो अप्रूव हो चुकी है, जो कि काम चल रहा है प्रॉपरली। तो द्वारका एक्सप्रेसवे इसका सबसे प्लस पॉइंट है। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल में चीज़ आपको नहीं मिलती है। तीसरा है कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, एंड चौथा इसमें आता है लोकेलिटी, कि इसके आसपास में लो राइज जो भी फ्लोर है डेवलपमेंट हो चुका है, एंड ये आपको हाई राइज है, तो ये प्लस पॉइंट आता है। नेगेटिव पॉइंट इस प्रोजेक्ट की बता दें कि यहाँ पे फ्लाईओवर के बिल्कुल पास आता है, तो थोड़ा आपको जाने में कंजेस्टेड रहेगा, लेकिन आप अंदर जाते हैं प्रोजेक्ट के तो जो वहाँ के IQ लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही अच्छा फील आएगा आपको जब प्रोजेक्ट आपको डिलीवर्ड होगा 4 साल में, उस टाइम की आपकी क्वालिटी एंड लोकेशन एडवांटेज, मेट्रो जब बन जाएगा तो उस टाइम में बहुत ही अल्ट्रा थीम में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर जाएगा। तो ATS के बारे में और कुछ भी जानना है डिटेल में, इसके बारे में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, एंड विजिट करना है, साइट प्लान करना है, तो आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।